नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरियाल। अगर एक हिंदू किसी मुस्लिम से शादी कर लेता है तो ये दिन की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक होती है। हाल ही में बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी की सांसद नुसरत जहां की निखिल जैन से शादी होने पर जो बवाल सोशल मीडिया पर हुआ उससे आप अच्छे से वाकिफ हैं। ये खबर अभी ठीक से दबी भी नहीं थी कि अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बीजेपी के महामंत्री और आरएसएस के पूर्व प्रचारक रामलाल की भतीजी श्रेया गुप्ता ने फैजल करीम नाम के मुस्लिम से शादी कर ली। शादी की तो की, लेकिन इस शादी में राज्यपाल राम नाईक, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव के अलावा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी शामिल हुए। अब यहाँ तो ऐसा करने पर ट्रॉलर्स आम लोगों को नहीं छोड़ते, तो ये तो फिर भी नेताजी हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इस शादी को लेकर तहलका मच गया है। लोग इस पर तरह तरह के ट्वीट करके बीजेपी और आरएसएस पर सीधा निशाना साध रहे हैं। यकीन ना हो तो इन ट्वीट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। इस शादी को और मंत्री रामलाल को आड़े लेते हुए मो माया असीम ट्विटर अकाउंट से एक यूजर ने लिखा कि घर की बाल्टी में ही छेद है। वहीं दामोदर इंडियन ट्विटर हैंडल से एक यूजर ने ट्वीट किया कि बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, संगठन के मंत्री रामलाल की भतीजी ने मुसलमान लड़के से शादी की है, हम हिंदू आरएसएस पर अपना विश्वास खो चुके हैं क्योंकि ये अपनी बेटियों को ही लव जिहाद से सुरक्षित नहीं रख सके। वहीं पीएन सिंह पाल आईएनसी अकाउंट से एक यूजर ने ट्वीट किया कि सुना है आरएसएस के प्रचारक ने बीजेपी के संगठन महासचिव की भतीजी की शादी फैजान करीम के साथ लखनऊ में हुई। तो वहीं वशी शर्मा नाम के यूजर ने मुसलमानों को गौ हत्या और बाबरी मस्जिद मसले पर ट्वीट किया। तो इसके जवाब में मनीष मिश्रा नाम के यूजर ने रामलाल की भतीजी की शादी मुस्लिम संघ होने की जानकारी दी और पूछा कि क्या अब ये लव जहाद नहीं है। एक तरफ जहां हेटर्स ने अपने ट्वीट से इस पर नाराजगी दिखाई, तो वहीं शादी को कई लोगों ने समाज के लिए एक मजबूत मैसेज भी कहा है। कई यूजर्स ने कहा है कि महिलाओं को अपने लिए किसी को भी चुनने की आजादी होनी चाहिए, जैसे कि रामलाल की भतीजी ने किया, और ये सही भी है। हम सभी को अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी होनी चाहिए। आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।